सोलन में बिजली बोर्ड ने करीबन सभी सरकारी विभागों से करोड़ों रुपए लेने हैं, जिसमें से उपायुक्त कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, आईपीएच विभाग और जिला क्षेत्रीय अस्पताल पर सबसे ज्यादा बिल का बोझ है। समय समय पर ये विभाग पैसा आने पर बिजली बोर्ड के बिलों का भुगतान करते रहते हैं, लेकिन बिलों की राशि इतनी ज्यादा होती है कि वो एक बार में इनके बिलों का भुगतान नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि सरकारी विभाग बिलों के बोझ तले दबे रहने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि आईपीएच विभाग पर सबसे ज्यादा करोड़ों की देनदारी है, वहीं उपायुक्त कार्यालय पर लाखों और क्षेत्रीय अस्पताल पर भी लाखों की देनदारी है। इसके अलावा छोटे छोटे सरकारी विभागों पर भी लाखों रुपए की देनदारी है। अधिक जानकारी देते हुए निजी बोर्ड के अधिकारी सीएच चावला ने बताया कि सरकारी कार्यालयों से करोड़ों रुपए की लेनदारी है, जिनमें से वह समय समय पर सभी विभागों को नोटिस जारी करते रहते हैं, जिनमें से सरकारी विभाग उनके बिलों का भुगतान करते हैं, लेकिन अब उनका विभाग बढ़ती जा रही बकाया राशि को लेकर काफी गंभीर हो चुका है और इसलिए वह सरकारी विभागों पर उन बिलों के भुगतान के लिए लगातार दबाव बना रहा है, जिसके चलते कुछ विभागों ने कुछ भुगतान भी किया है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार बिल का बकाया होने पर वह आम ग्राहकों की तरह उनके मीटर काट नहीं सकते हैं, इसीलिए बिलों की राशि हर माह बढ़ती ही जा रही है। सोलन डिवीजन जो है उसमें आईपीएच का हमारा 44.10 करोड़ है, डीसी ऑफिस का हमारा 82.3 लाख है, सीएम ऑफिस का हमारा 45.42 लाख है और गवर्नमेंट एंड जो अदर्स जो दूसरे महकमे होते हैं उसमें 15 लाख के करीब है। आईपीएच का पैसा हमें बस हर महीने आ रहा है, अब काफी इसका पैसा आना शुरू हो गया है। डीसी ऑफिस का हमारा पीछे 1 करोड़ के करीब था, उसमें कुछ 15-16 लाख रुपए आया है। हम इनको एसडीओ इनको हर महीने नोटिस देता है और डिवीजन से ना मेरे ऑफिस से भी इनको नोटिस जाता है, कंटिन्यूस नोटिस जाता है और हम इनके ऊपर प्रेशर मेंटेन प्रेशर अपॉन देम कि हमारी पेमेंट आए, ताकि बिजली बोर्ड हमारा जो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम वी कांट बी रेट।